तो रुख करेंगे खबरों की ओर। अब ये तय करना है सुबह सपा, और आपको बता दें कि जिस तरह से बयानबाजी का दौर लोकसभा चुनाव से पहले हो रही है, आम लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार जो पार्टियां चुनावी मैदान में है और चुनावी मैदान के बाद यहां पर लगातार जिस तरह से बयानबाजी का दौर जारी है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है, वो भी आपको हम सुनवाएंगे। बादा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई बड़े नेता उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने उनके बड़े भाई को गाजीपुर से टिकट दिया है, अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय सोची समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और इससे पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता रहे, महासचिव थे, सबसे पहले वो मिलने पहुंचे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, कई बड़े नेता देख रहे हैं कि उनके परिवार से किनारा कर रहे हैं, भले ही उन्होंने उनकी पार्टी ने टिकट भी दिया हो, लेकिन अभी तक कोई पहुंचा नहीं, आप पहुंचे मिलने, क्या हो जाएगा? नहीं, मैं तो इसलिए गया कि मुख्तार अंसारी जी कई बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा के विधायक रहे, आज भी उनके बड़े अफजाल अंसारी जी सांसद हैं, पहले बसपा से भी सांसद रहे, उनके एक भाई सुब्रतुल्ला अंसारी जी भी दो बार विधायक रहे, आज भी मुख्तार अंसारी का एक बेटा विधायक है और एक भतीजा विधायक है, तो स्वाभाविक रूप से वो एक राजनीतिक परिवार भी है। विधायक रहते हम लोग हाउस में प्राय मिलते भी रहे, तो स्वाभाविक रूप से एक विधायक की जेल में हत्या हुई, वो अपराधी रहे हों, माफिया रहे हों, उनको फांसी होगी, आज उनका आवास होगा या कितने वर्षों की सजा होगी, ये सब तो न्यायपालिका तय करती है, लेकिन यूपी की सरकार बिना न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार किए बकौल परिवारीजनों कि उन्हें खाने के साथ जेल में जहर दिया जाता रहा और उनकी मौत स्वाभाविक नहीं है बल्कि जहर देकर मारा गया है, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है, सरकार को कड़े में खड़ा करती है, और यदि जहर देकर मारा गया है तो इसका मतलब सरकार खुद अर्हता की शिकार बन गई है। लेकिन एक सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी ने अंदर से कई लेटर लिखे, जुडिशरी को भी लिखे, उसमें उन्होंने कई बड़े नामों के ऊपर आरोप लगाया, चाहे वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हो, मनोज सिन्हा, अपने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, एडीजी एसटीएफ, ऐसे कई नाम थे जिनके ऊपर उन्होंने कहा था कि षड्यंत्र रचा जा रहा, साजिश रची जा रही है उनकी हत्या की। स्वाभाविक रूप से इसीलिए ये मामला गंभीर है कि अगर सरकार पर उंगली उठ रही है, सरकार के अधिकारियों पर उंगली उठ रही है, खाने के साथ जेल में जहर दिए जाने की शिकायत मुख्तार अंसारी ने खुद की है, उनके परिवारजनों ने किया है, यहां तक कि इस बाबत मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका के रूप में लंबित भी है, तो अपने आप में बहुत गंभीर है। इसीलिए मेरी मांग है कि इस गंभीर मामले की जांच माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की देखरेख में होनी चाहिए, जिससे कि सच जनता के बीच में आ सके हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी ऐलान किया चुनाव लड़ने जा रहे हैं कुशीनगर से, तो क्या तैयारी है, गठबंधन के हिस्से के साथ रहेंगे या फिर बाहर से अकेले चुनाव लड़ने का इरादा बन चुका है, कोई बातचीत चल रही है अभी? बहरहाल मैंने कुशीनगर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, हम गठबंधन के हिस्से हैं या नहीं है इसका फैसला भी गठबंधन की पार्टियां तय करेंगी, अगर वो हमें मानते हैं कि हम गठबंधन में है तो बातचीत चल रही है, आपकी कुछ साथ खड़ी होगी, और अन्यथा वो प्रमाण पत्र देते हैं जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण जी को दिया, पल्लवी पटेल को दिया कि हमारे गठबंधन के हिस्से नहीं है, और अगर मुझे प्रमाण पत्र देते हैं कि गठबंधन के हिस्से नहीं है तो मैं राष्ट्रीय सोची समाज पार्टी का प्रत्याशी तो है ही हूं, उसके बलबूते पर लड़ूंगा, और अगर इंडिया अलायंस साथ देती है तो मैं उसका स्वागत भी करूंगा।
लेकिन जिसे आपने ऐलान किया, क्या उसके बाद कोई बातचीत हुई? कांग्रेस के नेता आपके संपर्क में थे, जो प्रदेश प्रभारी है वो आपसे मिलने भी आ चुके हैं? इंडिया अलायंस गवर्नमेंट की दोनों पार्टियों से मेरी वार्ता यूपी में हुई, सूची मांगी गई, मैंने सूची में नाम भी भेज दिए थे। महीनों इंतजार करने के बाद कोई सकारात्मक नकारात्मक कोई उत्तर नहीं आया, तो कुशीनगर की जनता की चाहत और मांग को देखते हुए मैंने कुशीनगर की सेवा के लिए अपने को समर्पित किया, प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। अब आगे और क्या होगा ये तय करने का काम इंडिया अलायंस को है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, स्वयं प्रसाद मौर्य जी हैं, कल मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने गए थे। उनका कहना है कि जिस तरह से परिवार ने आरोप लगाया उसको गंभीरता से लेते हुए इसकी सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कुशीनगर से भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल ये फैसला अब गठबंधन के दलों को करना है कि स्वयं प्रसाद मौर्य उनके साथ हैं या नहीं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर की दोई, जनता टीवी, लखनऊ।